हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रियांश गैराज। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे सबसे सस्ती सब कॉम्पैक्ट एसवी कार के बारे में। अभी हम खड़े हैं रेनो काइगर के बेस वेरिएंट के सामने। इस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करी जाए तो मात्र 6,50,000 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है, और गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइसिंग है मैं आपको वीडियो के एंड बताऊंगा। तो अगर आपसे कंपनी 6.5 लाख रुपये ले रही है इस वेरिएंट के, तो आपको यहाँ पर क्या कुछ ऑफर कर रही है उसी के बारे में आज हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। कलर ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो ग्रे, सिल्वर, कूल व्हाइट, ब्राउन, ब्लू, रेडियंट रेड, स्टील ब्लैक एंड मस्टर्ड, ऐसे कलर ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। 6,50,000 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, 11,23,000 का मिलेगा आपको इसका टॉप मॉडल। टोटल 4 वेरिएंट्स आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं, बट अभी आप इसके आरएक्सी बेस वेरिएंट को देख रहे हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो अभी आप देख रहे हो इसका 1 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें मिलती है आपको 72 BHP की पावर और 96 Nm का टॉर्क, और 18 तक की माइलेज मिलती है आपको इसके नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन में। ऐसे कुछ की ऑफर की जाएगी, दोनों ही आपको फिजिकल की मिलती है बिकॉज इसका ये बेस वेरिएंट है। पीछे मिलता है आपको सिर्फ रेनॉल्ट का लोगो। बढ़ते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ, उसके बाद बढ़ेंगे गाड़ी के इंटीरियर में। ऐसे कुछ आपको फ्रंट प्रोफाइल ऑफर की जाएगी, 1750 mm की चौड़ाई के साथ आती है रेनो काइगर। सेंटर में काफी बड़ा सा रेनॉल्ट का लोगो। ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलेगी। आप टॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको क्रोम के इंसर्ट भी ऑफर किए जाते हैं। नीचे मिलती है आपको फुल ब्लैक फिनिश में लोअर ग्रिल। टॉप में जाएंगे तो वहां पर आपको सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट भी ऑफर की जाती है। साइड में मिलता है आपको टोइनुक का ऑप्शन। नाइट विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको हेलोजन हेडलैम्प्स ऑफर किए जा रहे हैं। ऊपर मिलते हैं आपको DRL एंड इंडिकेटर की प्लेसमेंट। तो सामने से आपको ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया नजर आने वाला है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है इस रेनो काइगर में। सामने का पूरा बोनेट एरिया आप देख सकते हैं। बोनेट पे ही आपको यहाँ पर सिंगल वॉशर का सेटअप देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ड्यूअल वाइपर्स एंड सिंगल वॉशर का मिलता है पूरा सेटअप। काफी बड़ी सी मिलती है आपको सामने के विंडशील्ड। रूफ में मिलता है आपको रूफ रेल्स, पीछे शाफिन एंटीना। अब बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से देखते हैं इसके बेस वेरिएंट को। 16 इंचेस के आपको स्टील लिप ऑफर किए जाएंगे। व्हील कैप आपको इसमें नहीं मिलेगा बिकॉज इसका ये बेस वेरिएंट है। ब्लैक फिनिश में मिलता है आपको रेनॉल्ट का लोगो। इतना कुछ मिलता है आपको सस्पेंशन का स्पेस। सीएट के टायर्स ऑफर किए जा रहे हैं। टायर सेशन की बात कर ली जाए, 195/60R16 का पूरा टायर सेशन आपको देखने को मिल जाता है। टायर्स के ऊपर मिलती है आपको काफी चौड़ी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग। फेंडर्स पे आपको यहाँ पर ग्लॉसी में ऐसी कुछ फिनिशिंग मिलेगी। टॉप में जाएंगे तो वहां पर मिलती है आपको RXZ की बैजिंग। ये है इसके ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। RPMs, इंडिकेटर आपको इसी में ही दिया जा रहा है। अंदर मिल जाता है आपको लीवर जिसके थ्रू आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। फोल्ड आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। ए पिलर आपको ऐसा कुछ बॉडी कलर पे ऑफर किया जाएगा। रूफ रेस बी पिलर मिलता है आपको मैट ब्लैक फिनिश में, एंड ये है इसके ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स। इंटीरियर की झलक दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको फुल ब्लैक फिनिश में इंटीरियर ऑफर किया जाएगा। आगे का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। अगर डायमेंशन की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको 3991 mm की लेंथ मिलेगी, 1750 mm की विड्थ मिलेगी, एंड 1605 mm की यहां पर आपको हाइट ऑफर की जाती है इस रेनो काइगर में। व्हील बेस की बात कर ली जाए तो यहां पर मिलता है आपको 2500 mm का व्हील बेस। तो स्पेस भी आपको काफी सारा मिलने वाला है इसके कैबिन में, जो कि हम लोग आगे प्रॉपर कवर करेंगे। ऐसे कुछ आपको साइड में ब्लैक फिनिशिंग। ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो रियर व्हील्स में ड्रम एंड फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं इस रेनो काइगर में। ये है इसकी पूरी रियर प्रोफाइल। सारे फीचर्स आपको यहां पर नहीं मिलते बिकॉज इसका बेस वेरिएंट है। काफी बड़ी सी मिलती है आपको विंडशील्ड, ये इसका स्पॉइलर, एंड यहां पर मिलती है आपको हाई माउंट स्टॉप लाइट। वॉशर आपको नहीं मिलेगा, डिफॉगर वाइपर कुछ भी आपको ऑफर नहीं किया जाता है इसके बेस वेरिएंट में। यहां पर आपको रेनॉल्ट का लोगो, काइगर की बैजिंग। साइड में मिलती है आपको रेनॉल्ट की बैजिंग। नीचे आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ऑफर किए जा रहे हैं। शी शेप हैलोजन टेल लैंप्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट आपको इसमें मिल जाती है। नीचे मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स, एंड इधर साइड में आप आएंगे तो यहां पर मिलता है आपको इसका फ्यूल फिलर कैप। कैपेसिटी की बात करें तो 40 लीटर की मिलती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी। चलिए अब बैठते हैं इसके रियर कैबिन में। तो ऐसे कुछ आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं डोर हैंडल्स। डोर ट्रिम की बात कर ली जाए तो फुल ब्लैक फिनिश में आपको डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। ऐसे कुछ ग्लॉसी में फिनिशिंग आपको मिलती है। ऊपर मिलता है आपको लॉक अनलॉक, ये इसका डोर ओपनर। ऐसे कुछ आपको ब्लैक फिनिशिंग। मैनुअल मिलता है आपको विंडो कंट्रोलर। यहां मिलता है आपको स्पीकर के लिए स्पेस। एसेसरीज में आप लगवा पाएंगे। रियर कैबिन की बात कर लेते हैं तो ये इसका रियर का कैबिन। फैब्रिक की सीट्स ऑफर की जा रही है, ये इसका सीटिंग का पूरा डिजाइन। रियर में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं, इनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो इतना कुछ आपको लेग स्पेस ऑफर किया जाएगा। मेरी
मेरी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच के आसपास है। ये इसका फ्रंट आर्मरेस्ट, रियर के लिए आपको एसी वेंट्स वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। साइड में आप देखेंगे कोई भी ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलेगा एंड फुल ब्लैक फिनिश में आपको फ्रंट डैशबोर्ड ऑफर किया जाएगा। अभी देख रहे हो आप इसके मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट को, सामने आपको कोई भी ऑडियो सिस्टम वगैरह ऑफर नहीं किया जाता इस बेस वेरिएंट में। बढ़ते हैं अब गाड़ी की ड्राइवर सीटिंग की तरफ। तो इस बेस वेरिएंट में आपको ड्राइवर साइड्स क्या ऑफर किया जाता है वो कवर करते हैं। तो ऐसे कुछ डोर हैंडल्स और ड्राइवर साइड डोर्स की बात कर ली जाए तो फुल ब्लैक फिनिश में डोर्स। ऊपर जो ये आप लीवर देख रहे हैं इसके थ्रू अपने आप ORVM को एडजस्ट कर पाएंगे पूरा मैनुअली। ऐसे कुछ मिलते हैं आपको डोर ओपनर, ये इसका ग्रैब हैंडल। फ्रंट मिलते हैं आपको 2 पावर विंडो के कंट्रोल्स, नीचे आपको स्पीकर के लिए स्पेस वगैरह मिल जाता है। फ्रंट कैबिन की बात करें तो ये इसका पूरा फ्रंट का कैबिन एंड पूरी सीटिंग पोजीशन एंड स्पेस आप पूरा देख सकते हैं। फ्रंट में मिलते हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन आपको यहां पर मिलेगा। नीचे फ्यूल ओपनर, मैनुअल के ABC पेडल्स, बाकी CVT का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। एंड ये इसके अंदर का पूरा इंटीरियर, आगे का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। बैठते हैं गाड़ी के अंदर। ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ नजर आएगा आपको सामने का डैशबोर्ड। चलिए करते हैं इग्निशन को ऑन। तो यहां पर आपको फिस्कल की ऑफर की जा रही है जिसको कि आप यहां पर इंसर्ट करके अपने क्लस्टर को ऑन कर पाएंगे। क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको डिजिटल क्लस्टर ऑफर किया गया जिसमें आपको सारी चेकलाइट, सारी इंफॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाती है एंड अपनी MID का साइड मिलता है आपको लीवर। इस लीवर के थ्रू अपनी MID का कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसमें आपको ट्रिप भी, रेंज, माइलेज, काफी सारी इंफॉर्मेशन वगैरह देखने को मिल जाती है। स्टेयरिंग की बात कर ली जाए तो ये इसका ब्लैक फिनिश में पूरा स्टेयरिंग, यहां पर आपको सिर्फ रेनॉल्ट का लोगो ऑफर किया जा रहा है। स्टेयरिंग के पीछे मिलते हैं आपको यहां पर वाइपर्स के कंट्रोल्स एंड राइट साइड मिलते हैं आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर ली जाए तो इसके बेस में आपको कोई भी एडजस्टमेंट ऑफर नहीं किया जाता है। ये तो हो गए इसके पूरे स्टेयरिंग की बात। अब आते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ। तो यहां पर आपको मिलता है 2.9 का ऑडियो सिस्टम के लिए हॉच, आप एसरीज में इसमें लगवा सकते हैं ऑडियो सिस्टम। इसके नीचे मिलते हैं आपको 2 AC के वेंट्स, यहां पर मिलते हैं आपको हेजलाइट का बटन, यहां पर बूट ओपनिंग का ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल, AC के सारे कंट्रोल्स मैनुअली पूरा आप यहां से कंट्रोल कर पाएंगे। यहां पर थोड़ा स्पेस, नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। अभी आप देख रहे हो इसके 5 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन वेरिएंट को, यहां पर मिलता है आपको काफी सारा स्पेस, कुछ भी सामान आप रख सकते हैं। ये इसका मैनुअल हैंडब्रेक, ये इसका फ्रंट आर्मरेस्ट, स्पेस आप देख सकते हैं काफी सारा आपको मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं तो ये इसका नॉर्मल सा ग्लव बॉक्स एंड आगे का पूरा डैशबोर्ड आप देखेंगे तो फुल ब्लैक फिनिश में एंड यहां पर ग्लॉसी में फिनिशिंग। आगे विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो बंपर टू बंपर आप इसको आराम से ड्राइव कर पाएंगे। ऊपर की बात कर ली जाए तो ड्राइवर साइड कोई मिरर आपको ऑफर नहीं किया जाता है, पैसेंजर साइड भी आपको सेम देखने को मिलेगा। एंड यहां पर मिलता है आपको हैलोजन लाइट के बटन्स, ये इसका पूरा मैनुअल IRBM। तो यही था इसके अंदर का ओवरऑल पूरा इंटीरियर, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में। तो इसमें आपको ABS विद EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन एम्बुलाइजर, क्रैश सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और यहां पर आपको 2 एयरबैग्स ऑफर किए जाते हैं इसके बेस वेरिएंट में। अब बात आती है मेन चीज गाड़ी के प्राइसिंग की। तो अभी आप देख रहे हो इसकी RXC बेस वेरिएंट को 6,50,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस है और 7,32,000 की पड़ती है आपको ये ऑन रोड लखनऊ। तो यही थी रेनो काइगर अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट SUV कार, कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक कर देगा एंड स्पेशल थैंक्स टू रेनॉल्ट आलमबाग कानपुर रोड लखनऊ। अगर आप कोई भी गाड़ी प्लान कर रहे हैं रेनॉल्ट की तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। मैं प्रियांश मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।